ओके रमी, चल तो मैं, बाय। अच्छा सुनिए। हाँ? दुकान की चाबी तो लेते जाइए। ओहो। हमेशा ही भूल जाते हैं आप। मेरा पर सुनना होती है ना, मेरा पता नहीं क्या होता। क्या सुबह सुबह चलोगे? मम्मी जागे होंगे। जरा छुट्टी कर लूँ। क्यों? दुकान में काम तो होता नहीं, आज नहीं जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लेट हो रहे, चलिए जाइए। चल ठीक है, बाय। राजवीर, राजवीर बेटा। मम्मा मैंने कितनी बार बोला आपसे, मुझे पीछे से बात मत दिया करो, पर आप होगी कुछ समझते ही नहीं हो। और लेट हो रहा हूं मैं, जल्दी बताइए क्या बात करनी है। कुछ नहीं, तू जा। ये क्या नया ड्रामा है सुबह सुबह, मेरा सारा दिन खराब जाएगा। राजवीर कैसे बात कर रहा हूँ मम्मा से? रमनीत तुम्हें नहीं पता यार, मुझे जब भी काम से बाहर जाना होता है मम्मा पीछे से आवाज दे देते हैं। अब पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब मैं बताऊँ क्यों आवाज दी उन्होंने आपको? रमनीत बेटा रहने दे, उसे देर हो रही है ना, जा बेटा जा। 2 दिन से मम्मा की दवाई खत्म हुई पड़ी है, और कल मैंने आपको कॉल की थी ना कि दवाई लेते आना, लेकर आया? और ठीक है ले आऊंगा दवाई, तो यार इनकी दवाइयों का खर्चा नहीं पूरा होता। सब मुझे अब बेटा तुम लोग खाओ। पर मम्मा आप तो बहुत शौक से खाते हैं पिज्जा। देखा मम्मा नाराज हो गए। मैंने तो पहले कहा था तुमसे
मम्मा हमेशा ऐसा ही ड्रामा करते हैं। चलिए आप लीजिए। वो छोड़ो यार, मुझे नहीं खाना। अब आपको क्या हो गया? फ्रेंड है ना करण? कौन करण? इतनी जल्दी भूल गई? वही जिनके घर हम लास्ट वीक पार्टी पे गए थे। अरे हाँ, कितना मजा आया था ना पार्टी में। करण और उसकी वाइफ दोनों बहुत खुश रहते हैं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ना वो दोनों इंडिपेंडेंट है, लाइफ के फुल मजे ले रहे हैं। हाँ यार, ये तो है, बहुत लकी है वो लोग। यार हम भी है ना उनकी तरह लकी हो सकते हैं। वो कैसे? माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के। क्या? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे हम
ही नहीं तो मेंबर सागर में। तुम करण को ही देख लो, उसने भी तो अपनी मम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ा हुआ है। कितना खुश है वो, चला जाता है महीने में एक आध बार, मिलाता है माँ से। और हाँ, आज मैं भी गया था करण के साथ वृद्धाश्रम उसकी मम्मा को मिलने, बहुत खुश थी वो वहाँ। आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? मैं सब जानता हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप मम्मी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। हाँ, नफरत करता हूँ मैं उनसे, तंग आ गए यार उनके ये रोने धोने से, मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। 2 साल पहले मेरा अच्छा भला कनाडा का वीजा लग रहा था, मना कर दिया, मैं अकेली रह जाऊंगी, बेटा मेरा ध्यान कौन रखेगा। आज अगर कनाडा होते तो वेल सेटल्ड होते, घर में कोई भी फंक्शन या पार्टी हो इनका अपना ही ड्रामा चालू हो जाता है, पापा की फोटो को देख के लग जाती है रोने, तंग आ गए हो यार इनके रोने धोने से। आखिर हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं, जहां भी जाओ इनको भी साथ में लेकर जाओ। हर महीने मुश्किल से 20,000 बचाता हूं, उसमें से भी 8,000 से 10,000 इनकी दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। कब तक यार इनको ऐसे झेलते रहेंगे, तंग आ गए हूं मैं। नहीं नहीं राजवीर, ये गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मेरी सुन लो बात, मैं बात कर आया हूं, कल मैं मम्मा को लेकर जा रहा हूं वृद्धाश्रम। मेरा डिसीजन फाइनल है। और हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना तो तुम भी जा सकती हो अपने घर। मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे पता है बेटा, कौन सी जरूरी बात करनी है। मेरा बैग तैयार है, चलो लाओ मैं उठा लूंगी। रहने दे बेटा, मैं ले जाऊंगी, गाड़ी स्टार्ट करो। रवनीत, जा रहा हूँ। अच्छा रुकिए, अपना टिफिन तो लेते जाइए। दुकान पे नहीं जा रहा, मम्मा को छोड़ने जा रहा हूँ।
राजवीर एक बार फिर सोच लो। सोचना क्या है, मेरा डिसीजन फाइनल है, जा रहा हूं मैं। आप सभी से मेरी एक यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क ना समझे और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल कलर्स ऑफ रियल लाइफ इसको सब्सक्राइब करें। सत श्री अकाल, राम राखा।